नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिकर। आज जातिगत जनगणना को लेकर के जहां विपक्ष आक्रामक तेवर दिखा रहा है, वहीं अपक्ष के नेता भी आक्रामक तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, हम आपको बताएं कि उपेंद्र कुशवाहा ने अब केंद्र सरकार से सीधे सीधे जातिगत जनगणना कराने की बात कह दी है और उनका कहना है कि अब केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना कराना ही होगा। नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले ही एक पत्र नरेंद्र मोदी को लिखा था जिसमें जातिगत जनगणना कराने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक केंद्र सरकार की तरफ से और नरेंद्र मोदी की तरफ से नीतीश कुमार को मिलने तक का वक्त नहीं दिया गया, जिसे लेकर के अब बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। और इस मौके पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी अब केंद्र सरकार पर एक बड़ी बात कह दी है और कहा है कि जातिगत जनगणना सरकार को करानी ही होगी। और क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए। तो देश के लिए बहुत ही अहितकर है, उस पर तो बात हो ही रही है, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा प्रासंगिक विषय है क्योंकि अभी तुरंत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिसीजन लेना पड़ेगा जात की गणना कराने के बारे में, क्योंकि हर 10 साल पर जनगणना होती है और भारत सरकार की ओर से पहले कहा भी गया था कि 2021 की जो गणना होगी, जनगणना होगी, उसमें हम जात की भी गणना कराएंगे, कास्ट सेंसस कराएंगे। और अभी पता नहीं किस कारण से वहाँ से मना किया जा रहा है। तो आवश्यकता इस बात की है कि सरकार डिसीजन ले कि जात की गणना भी हो, क्योंकि 1931 का आंकड़ा है, उस आंकड़ा के आधार पर सरकार योजना बनाती है। उन योजनाओं का कार्यान्वयन कैसे ठीक ठाक हो पाएगा, 1931 का आंकड़ा, उसके अब आज ज़रूरत है कि फिर से आंकड़ा इकट्ठा किया जाए। सर, लेकिन कई नेता हैं जो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना से जातीय उन्माद फैलेगा, तो इसको लेकर भी कई लोग देखिए, इसमें एक तो जात की गणना आज भी हो रही है, जात की गणना सिर्फ SC ST की होती है, बाकी की नहीं होती है। तो SC ST की गणना यदि जात के आधार पर हो रही है तो कहाँ उसके के कारण कोई जातीय तनाव या उन्माद फैलता है, नहीं फैलता है ना। या फिर धर्म के आधार पर गणना होती है तो धर्म के आधार पर गणना हो रही है, अगर जो तर्क दिया जा रहा है कि जात के आधार पर करने से जातीय उन्माद, तो धर्म के आधार पर करने से धार्मिक उन्माद भी फैल सकता है, लेकिन कहीं कोई उन्माद फैलने जैसा नहीं है। कुल मिला जुला कर जातीय आंकड़ा ठीक से आवेगा और इसका उपयोग करके सरकार योजना बनाएगी, धीरे धीरे समाज में जो विषमता है समाप्त होगी, तब जाकर जातीयता भी समाप्त होगी और हर तरह से समाज अच्छा बनेगा। तो कुल मिला जुला कर जातीय उन्माद जो आज कहीं कहीं दिखता है, इसको समाप्त करने के लिए जातीय आंकड़ा जरूरी है, न कि इससे और बढ़ेगा। तो जैसा कि आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे तौर से कह दिया है कि जातिगत जनगणना अब होनी चाहिए, क्योंकि इसके पहले 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी, जिसके बाद आज तक जातिगत जनगणना नहीं कराई गई है। इस वजह से कई ऐसे योजना सरकार की तरफ से बनाए जाते हैं जिसका लाभ लोगों तक नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि किस जाति में कितने लोग हैं। और इसे लेकर के बिहार की राजनीति लगातार गर्म है, लगातार विपक्ष की तरफ से हो या पक्ष की तरफ से हो, जातिगत जनगणना की बात की जा रही है। और आज उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस बात को सबके सामने रख दिया है और उनका कहना है कि अब केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना करानी होगी, क्योंकि जब केंद्र सरकार सत्ता में आई थी तो उन्होंने साफ तौर से कहा था कि 2021 में जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन पता नहीं उन्हें किस बात से दिक्कत है, वो क्यों नहीं कराना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार का सपोर्ट करते हुए अब केंद्र सरकार पर हमला बोले हैं और उनका भी कहना है कि सरकार को हमारी बात माननी ही होगी, जातिगत जनगणना करानी ही होगी। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ पीआर। नमस्कार।